देखिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक। मैंने आपको इप्सिलॉन एनएफए सिखाया था, पर मैंने आपको बोला भी था कि इप्सिलॉन एनएफए पे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन तो बेटा काय पे आता है, कन्वर्जन ऑफ इप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। ठीक है, देखिए ये इप्सिलॉन एनएफए जो नाम है ये तो मैंने रखा हुआ है। मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया कि इसका जो ओरिजिनल नाम है उसको बोलते हैं एनएफए विथ इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन या फिर एनएफए विथ इप्सिलॉन मूव, पर मैंने उसका नाम रखा हुआ है इप्सिलॉन एनएफए। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि टॉपिक का नाम क्या हुआ, एनएफए विथ इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को हमें कन्वर्ट करना है एनएफए में विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन में। ठीक है, ये हमारे सब टॉपिक का क्या हुआ, कंप्लीट नेम हुआ। ठीक है, अब ये सब टॉपिक इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है उससे थोड़ा सा ये चेंज है, बट आपको ये सिखाने के बाद बहुत ही इजी लगना शुरू हो जाएगा। और हम सीखेंगे कैसे इसकी जो भी प्रोसीजर है कन्वर्जन की, बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन। यानी मैंने पहले से क्या किया हुआ है, एक क्वेश्चन क्या हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट रुक जाइए, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं क्वेश्चन को पहले तो कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एनएफए विथ इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन इनटू इक्विवेलेंट एनएफए विदाउट इप्सिलॉन मूव। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्लियर है कि एनएफए विथ इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को काय में कन्वर्ट कर दीजिए, एनएफए विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देना चाहिए था, NFA गिवन देना चाहिए था, तो NFA वहाँ पे गिवन है। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन वो कंप्लीट ऐसा है, क्वेश्चन के नीचे एक डायग्राम भी निकाली हुई है। मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं ये डायग्राम निकाल देता हूँ, सो दैट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा और आपको ये क्वेश्चन समझना भी शुरू हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, और यहाँ पे टू आ जाएगा एंड दिस इज़ फाइनल स्टेट। येस करेक्ट, दिस इज़ अवर क्वेश्चन। हाँ, अब आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एनएफए विद इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन, यानी कि इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन वाली एनएफए दी हुई है हमें एक कोई तो भी, इनटू इक्विवेलेंट एनएफए विदाउट इप्सिलॉन मूव। इसको कन्वर्ट करके हमें, यानी कि हमें ये एनएफए इप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करना है, पर हम कन्वर्ट करते समय सिर्फ मॉडल चेंज करते हैं बेटा, कभी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। यानी ये जो हमारी इप्सिलॉन एनएफए वो जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रही है वो सभी की सभी स्ट्रिंग्स हमारी एनएफए विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन भी एक्सेप्ट करना ही चाहिए, पर वो डायग्राम क्या होनी चाहिए, एनएफए होनी चाहिए विदाउट इप्सिलॉन मूव, यानी इप्सिलॉन मूव वाला ट्रांजेक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, और जैसे मैंने बार बार बताया हुआ है, ये एनएफए का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली है वो सब एक्सेप्ट होंगी, जो स्ट्रिंग्स रिजेक्ट वाली है यानी रिजेक्ट होनी चाहिए उनके लिए एनएफए प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता। आई बात समझ में? तो ये दोनों भी क्या है हमारी एनएफए ही है, एक इप्सिलॉन एनएफए है, तो हमें क्या बनाना है, इस पे से एनएफए बनाना है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, तो हम ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ ही हम क्या सीख लेंगे, कन्वर्जन की प्रोसीजर। सबसे पहले तो मैंने हर बार आपको बताया हुआ है कि जो गिवन डायग्राम है उसको हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, और जो डायग्राम हमें निकालनी है, ठीक है, डिजायर्ड या रिक्वायर्ड डायग्राम जो हमें निकालनी है उसका नाम क्या रखते हैं हम, एम डैश। तो मुझे बताइए मुझे निकालना क्या है, एनएफए, तो फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, लेट अवर एनएफए, ठीक है, कौन सी एनएफए भाई, हमें कौन सी निकालनी है, एनएफए विदाउट इप्सिलॉन मूव बी एम डैश इक्वल्स टू क्यू डैश समेशन डेल्टा डैश क्यू जीरो डैश एफ डैश। देखिए जो भी डायग्राम निकालनी रहती है उसको मैं एम डैश ही बोलता हूँ, जो गिवन रहती है उसको मैं एम बोलता हूँ। तो भाई गिवन क्या है, एम नाम की मशीन, ठीक है, क्या गिवन है, एम इप्सिलॉन एनएफए, हमें निकालना क्या है, एनएफए विदाउट इप्सिलॉन मूव, तो उसको मैंने एम डैश नाम रख दिया। ये क्यू डैश डेल्टा डैश क्यू जीरो डैश एफ डैश नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमारे इप्सिलॉन एनएफए के ये क्यू समेशन डेल्टा क्यू जीरो एफ ऑलरेडी नाम थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे समेशन रखा, इप्सिलॉन एनएफए में भी समेशन, अरे तो क्या इनपुट सिंबल्स चेंज होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो मैंने इनपुट सिंबल्स को क्या किया हुआ है, समेशन को समेशन ही रखा हुआ है, समेशन डैश नहीं लिया हुआ है। अच्छा, कोई बता सकता है यहाँ पे समिशन है क्या, अरे भाई कोई बता सकता है यहाँ पे समिशन क्या है, चलिए देखिए इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
समेशन, ये पांचों चीज़ें मुझे एक एक करके एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, समेशन आपको दिखना चाहिए यहाँ पे, समेशन है यहाँ पे 0, 1, 2, ठीक है, और उसके साथ एक अलग से एप्सिलॉन तो रहता ही है एप्सिलॉन एनएफए में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये मैं पांचों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, पर पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक एप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़ता है। यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स है, ये प्रॉब्लम शुरू करने के पहले, ये जितनी भी स्टेट्स है हमारी एप्सिलॉन एनएफए में, कितनी स्टेट्स है, Q0, Q1, Q2, ठीक है। तो Q0, Q1, Q2 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो इप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़ेगा। अब ये इप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, देखिए इप्सिलॉन क्लोजर, एक मिनट रुक जाइए, इप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। देखिए इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, पहली कौन सी स्टेट है भाई, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, ठीक है, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, दूसरी स्टेट इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, ठीक है। देखिए इप्सिलॉन क्लोजर यानी क्या होता है, इप्सिलॉन क्लोजर यानी कि बाय यूजिंग इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन हम कौन कौन सी स्टेट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, इप्सिलॉन क्लोजर का मतलब क्या भाई, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 किसी ने बोला, तो भाई Q0 पे खड़े रह के मैं कौन कौन सी स्टेट्स को क्या कर सकता हूँ, विजिट कर सकता हूँ बाय यूजिंग इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। यानी कि इसका सादा सा, इप्सिलॉन क्लोजर का सादा सा मीनिंग ये हुआ कि भाई मैं अगर Q0 नाम की स्टेट का इप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहा हूँ, तो मैं Q0 पे खड़े रह के कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ विजिट कर सकता हूँ विदाउट टेकिंग एनी वैलिड इनपुट सिंबल। यानी कि मुझे कोई भी समेशन में जो भी इनपुट सिंबल्स है वो मुझे कोई भी प्रोसेस नहीं करके मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। इसी को ही बोला जाता है कि भाई मैं Q0 पे अगर खड़ा हूँ, तो Q0 पे खड़े रह के मैं कहाँ कहाँ विजिट कर सकता हूँ बाय यूजिंग इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखिए मैं इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ये ऐसा क्लियर नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, इप्सिलॉन क्लोजर अगर हम Q0 को निकाल रहे हैं, तो आप ऐसा समझिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, Q0 पे। मुझे बताइए मैं Q0 पे खड़ा हूँ, तो मैंने Q0 तो क्या कर लिया, विजिट कर लिया। यानी कि जो भी स्टेट का हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं वो स्टेट तो उसके सेट में आ ही जाती है। यानी अगर मैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 निकाल रहा हूँ, तो बेटा Q0 तो वहाँ पे आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। क्योंकि मैं Q0 पे खड़ा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी स्टेट को विजिट कर सकता हूँ, तो बेटा मैं Q0 पे खड़ा हूँ तो मैं Q0 तो आ ही गया। अब हमें कोई वैलिड इनपुट सिंबल लेना नहीं है, इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन लेके हम कहीं जा सकते हैं क्या, तो देखिए Q0 से भाई मैं Q0 पे खड़ा हूँ, मैं Q0 से इप्सिलॉन लेके कहाँ पे गया, Q1 पे, तो बेटा यहाँ पे Q1 भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोई वैलिड इनपुट सिंबल तो लिया नहीं, पर इप्सिलॉन लेके मैं कहाँ चले गया, Q1 पे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से हम Q0 पे खड़े हैं, अब देखते हैं हम क्या Q0 से Q2 पे जा सकते हैं बाय यूजिंग इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। तो मैंने Q0 से इप्सिलॉन लिया, Q1 पे पहुंचा, Q1 से इप्सिलॉन लिया तो Q2 पे पहुंचा, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 में क्या आ गए, तीनों ही आ गए, Q0, Q1, Q2। अरे ये कैसे आए, सिंपली जो भी स्टेट का हम इप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं वो स्टेट पे खड़े रह के आप चेक कीजिए कि मैं कौन कौन सी स्टेट्स को विजिट कर सकता हूँ बाय यूजिंग इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। आई बात समझ में, चलिए आइए देखते हैं इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। अरे भाई ये इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, ये इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 में मैं Q1 का क्लोजर इप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहा हूँ, तो मैं Q1 पे खड़ा हूँ, Q1 पे खड़ा हूँ तो मैंने Q1 को तो क्या कर लिया, रीच कर लिया। अब देखते हैं कि मैं Q1 से खड़े रह के क्या इप्सिलॉन लेके Q0 पे जा सकता हूँ क्या, नहीं। देखिए Q1 से मैं इधर जा ही नहीं सकता Q0 पे इप्सिलॉन लेके, पर क्या Q1 से मैं इप्सिलॉन लेके Q2 पे जा सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 भी आ जाएगा। यानी कि मैं Q1 पे खड़े रह के कहाँ कहाँ जा सकता हूँ बाय यूजिंग इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन लेके, Q1 पे और Q2 पे। Q1 पे तो जा ही सकते हैं क्योंकि हम उसी पे ही खड़े हैं। इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 निकाल रहे हैं, तो उसमें Q2 तो आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं Q2 पे खड़े रह के चेक कर रहा हूँ भाई मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो बताइए अब ये Q2 से इप्सिलॉन लेके कहीं जा सकते हैं क्या हम, नहीं। देखिए ये Q2 तो इप्सिलॉन नाम का ट्रांजेक्शन लिमिट कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ Q2। आप ये भी समझिए कि इप्सिलॉन क्लोजर कोई भी स्टेट का निकाल रहे हैं तो वो कभी भी एम्प्टी सेट फाइल नहीं आएगा, क्योंकि जो स्टेट का निकाल रहे हैं वो स्टेट तो उसके अंदर आती ही है। आई बात समझ में, इप्सिलॉन क्लोजर यानी कि क्या, जितनी भी हमारी इप्सिलॉन एनएफए में स्टेट्स है उन सभी का पहले इप्सिलॉन क्लोजर निकाला जाता है, उसके बाद ही ये प्रोग्राम, ये उसके बाद ही ये मेथड क्या होती है, कन्वर्जन की हमारी
शुरू होती है। आई बात समझ में? चलिए देखिए इधर, अब मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक। मुझे बताइए सबसे पहले तो क्यू डैश यानी कि क्या हुआ, स्टेट्स ऑफ एनएफए। तो बेटा ये स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जितनी स्टेट्स इप्सिलॉन एनएफए में है उतनी ही स्टेट्स गाय में आती है एनएफए में, यानी कि यहाँ पे भी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, Q1, Q0, Q1, Q2। आई बात समझ में? समेशन बेटा वहाँ पे क्या था, 0, 1, 2, देखिए 0, 1, 2, तो बेटा यहाँ पे भी समेशन वही रहेगा। डेल्टा डैश मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। Q0 डैश यानी कि इनिशियल स्टेट ऑफ एनएफए वही होगी जो हमारी एप्सिलॉन एनएफए की इनिशियल स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल स्टेट देखिए, अब फाइनल स्टेट पहले मुझे बताइए इप्सिलॉन एनएफए की क्या है। देखिए ये डबल सर्कल वाली स्टेट Q2, यानी इप्सिलॉन एनएफए की फाइनल स्टेट क्या है, Q2। तो अब आप चेक कीजिए कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स है जिसके इप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट आती है, यानी कि सिंपली ये इप्सिलॉन एनएफए की फाइनल स्टेट क्या है, Q2। तो आप चेक कीजिए कि इधर राइट हैंड साइड में Q2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखिए ये सेट में Q2 आ रहा है, ये सेट में भी Q2 आ रहा है, ये सेट में भी Q2 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों स्टेट्स क्या होने वाली है, फाइनल स्टेट ऑफ इप्सिलॉन एनएफए होने वाली है। इसका मतलब क्या होने वाला है, यानी कि कंसेप्ट क्या है कि आप चेक कीजिए कि इप्सिलॉन एनएफए की फाइनल स्टेट क्या है, ठीक है, Q2 है। फिर आप देखिए कि कौन कौन सी स्टेट के इप्सिलॉन क्लोजर में इप्सिलॉन एनएफए की फाइनल स्टेट आती है। तो देखिए भाई ये Q0 के इप्सिलॉन क्लोजर में मैंने देखा Q2 आ रही है, Q1 के इप्सिलॉन क्लोजर में भी Q2 आ रहा था, Q2 के इसमें भी Q2 आ रहा था। तो बेटा ये तीनों की तीनों स्टेट्स क्या हो जाएंगी, हमारी फाइनल स्टेट्स ऑफ ये एनएफए विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजैक्शन। तो बेटा मैंने ये 1, 2, 3, 4 चीज़ें तो एक्सप्लेन कर ली, ठीक है। अब रही बात क्या है कि ट्रांजिशंस की, यानी कि डेल्टा डैश यानी क्या, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनएफए। कौन सा एनएफए, विदाउट इप्सिलॉन मूव, ठीक है। चलिए तो ये कैसे निकालते हैं, डेल्टा डैश ऑफ Q0 लेके कहाँ जा रहा है, ठीक है। देखिए इसका हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, डेल्टा डैश ऑफ Q0 लेके कहाँ जा रहा है, तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q0, अच्छे से लिख देते हैं इसको, Q0, 0, ठीक है। यानी क्या, इप्सिलॉन क्लोजर चाहिए किसका, Q0, 0। तो सबसे पहले तो ये Q0, 0 क्या हुआ कि देखिए इधर ये Q0, 0 क्या हुआ, ये आपको ये एक एग्जांपल से नहीं समझेगा। अब देखिए इधर मुझे क्या करना है, मुझे बताइए क्यू डैश में स्टेट्स कितनी है, 1, 2, 3। इनपुट सिंबल्स कितने हैं, इनपुट सिंबल्स 1, 2, 3। तो अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे Q0 के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि 0, 1 कहाँ जा, 0, 1, 2 कहाँ जाते हैं, Q1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा 0, 1, 2 कहाँ जाते हैं, और Q2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा 0, 1, 2 कहाँ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके ट्रांजेक्शन्स, कोई ट्रांजेक्शन क्या करे, फाई हो जाए, यानी कहीं जा ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई NFA जो है हमारी, NFA विदाउट इप्सिलॉन मूव, उसमें तो ऐसा होता है जीरो और मोर ट्रांजेक्शन ड्रॉ होते हैं इनपुट सिम्बॉल के लिए। पर मुझे चेक क्या करने पड़ेंगे, मुझे 9 ट्रांजेक्शन्स चेक करने पड़ेंगे। कौन कौन से, पहली स्टेट के ये तीनों, दूसरी स्टेट के ये तीनों, तीसरी स्टेट के ये तीनों, यानी कि मुझे 9 ट्रांजेक्शन्स चेक करने पड़ेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ये मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो आप एक एग्जांपल से नहीं, मुझे ऐसे 9 ट्रांजेक्शन्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये 9 के 9 पूरे से अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो ही आपको ये कंसेप्ट समझेगा, ठीक है। इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q0, 0, ठीक है। ये ऑफ हटा दीजिए क्योंकि मैंने ये जो ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, ऑफ ही होता है। इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q0, 0। तो सबसे पहले तो बेटा ये इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q0, 0, यानी कि देखिए Q0, 0 लेके कहीं जा रहा है क्या, देखिए Q0, 0 लेके कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ पे जा रहा है, Q0 पे ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0, ठीक है। आई बात समझ में, फिलहाल इतना ही समझिए, फिर मैं आपको एक और कंसेप्ट आगे चल के सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हम पूरे कंसेप्ट नहीं सीख सकते हैं, इसके लिए हमें एक और एग्जांपल भी लेना पड़ेगा जिसमें मैं आपको वो कंसेप्ट सिखा सकता हूँ जो आप पहले प्रॉब्लम में नहीं सीख सकते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं,
तो मैंने देखा कि भाई क्यू जीरो जीरो लेके कहाँ जा रहा है, क्यू जीरो जीरो लेके तो बेटा कहाँ जा रहा है, उस खुद पे ही क्यू जीरो पे, तो इसका मूव क्यू जीरो जीरो का आंसर क्यू जीरो आ गया। अब मुझे बताइए इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू जीरो, ये तो आपने निकाल के रखा हुआ है, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू जीरो वो कितना है, तो वो है हमारा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू। बेटा ये इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू जीरो इसीलिए तो हमने निकाल के रखा है क्योंकि आगे यूज होने वाला है। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन। सेकेंड डेल्टा डैश ऑफ क्यू जीरो वन, क्यू जीरो वन लेके कहाँ जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव क्यू जीरो वन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये अंदर का निकालना पड़ेगा, मूव क्यू जीरो वन। अब देखिए क्यू जीरो वन लेके कहाँ जा रहा है, आइए देखते हैं, मुझे बताइए क्यू जीरो तो बेटा सिर्फ जीरो लेके कहाँ जा रहा है, जीरो लेके क्यू जीरो के पास जा रहा है, क्यू जीरो वन लेके कहीं जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो मुझे तो ये मूव क्यू जीरो वन यही निकालना है। तो अगर क्यू जीरो वन का ट्रांजेक्शन इमिट नहीं करता है तो क्या करना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्यू जीरो इप्सिलॉन लेके कहीं जा सकता है। देखिए क्यू जीरो इप्सिलॉन लेके कहीं जा सकता है क्यू वन पे, ठीक है गया। अब आपको क्यू वन का चेक करना पड़ेगा कि क्यू वन कहीं वन लेके जाता है क्या, तो मुझे बताइए क्यू वन कहीं वन लेके जाता है क्या, हाँ क्यू वन तो बेटा वन लेके खुद पे जा रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ये इप्सिलॉन क्लोजर एज इट इज, और इसका आंसर आ जाएगा क्यू वन। आइए देखिए मुझे आई क्या बात समझ में, देखिए क्यू जीरो डायरेक्ट मुझे निकालना था मूव क्यू जीरो वन, भाई क्यू जीरो वन लेके कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इधर क्यू जीरो डायरेक्टली तो वन लेके कहीं नहीं जा रहा था, पर ये इप्सिलॉन लेके कहीं, क्यू जीरो ने इप्सिलॉन लेके क्यू वन पे पहुंच गया, अब वो वन लेके कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्यू वन आ जाएगा। आपको सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि क्यू वन डायरेक्टली वन कहीं लेके जा रहा है क्या, नहीं, अगर क्यू जीरो डायरेक्टली वन लेके कहीं नहीं जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप देखिए कि क्यू जीरो इप्सिलॉन लेके कहीं जा सकता है क्या, यस, और जहाँ जा सकता है अब देखिए उसका वन है क्या। और एक बात बताता हूँ मैं, देखिए इधर क्यू जीरो डायरेक्टली वन तो लेके जा नहीं रहा, पर क्यू जीरो से इप्सिलॉन लिया हमने तो क्यू वन पे पहुँच गए, क्यू जीरो क्यू वन से हमने इप्सिलॉन लिया तो क्यू टू पे पहुँच गए, अरे अब क्या क्यू टू लेके जा रहा है क्या वन कहीं पे, नहीं, अगर लेके जाता था तो वो भी यहाँ पे आ जाता था कॉमा करके, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे बता दीजिए कि इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू वन क्या हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू, ये हमारा हो गया सेकंड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट डेल्टा डैश ऑफ क्यू जीरो टू, क्यू जीरो टू लेके कहाँ जा रहा है, तो बेटा ये हो जाएगा इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव क्यू जीरो टू, क्यू जीरो है ना, क्यू जीरो टू, देखिए क्यू जीरो टू लेके कहीं जा रहा है क्या, नहीं, पर इप्सिलॉन लेके क्यू वन पे गया, क्यू वन टू लेके जा रहा है क्या कहीं, नहीं, पर हम क्यू जीरो से इप्सिलॉन लेके क्यू टू पे पहुंच गए, अब क्यू टू टू लेके कहीं जा रहा है क्या, हाँ क्यू टू के पास, तो बेटा ये अंदर वाले का आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्यू टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा क्यू टू। तो अब मुझे बताइए इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू टू कितना निकाल के रखा हुआ है आपने, बेटा वो तो क्या होता है क्यू टू। चलिए ये भी एक ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी करते हैं हम, क्यू वन कितनी स्टेट से भाई, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, दूसरी स्टेट पकड़िए, Q1 पहले तो देखेंगे जीरो लेके कहाँ जा रहा है, ठीक है, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q1 जीरो। मुझे एक बात बताइए कि Q1 जीरो लेके कहीं जा रहा है क्या, नहीं, अच्छा Q1 इप्सिलॉन लेके कहाँ जा रहा है, Q2 जीरो लेके कहीं जा रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इप्सिलॉन क्लोजर तो पहली स्टेप में एज इट इज, ठीक है, इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइ, और इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाइ क्या हो जाएगा फाइ, क्यों ऐसा, क्योंकि Q1 जीरो लेके कहीं जा रहा है क्या डायरेक्टली, नहीं, Q1 से इप्सिलॉन लेके Q2 पे जा सकते हैं, Q2 कहीं जा सक रहा है क्या जीरो लेके, नहीं, तो बेटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइ, और इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाइ भी क्या हो जाएगा फाइ, यानी कि आप ऐसा समझिए कि जो हमारी आने वाली NFA है वो उसकी जो Q1 स्टेट है वो जीरो का ट्रांजेक्शन इमिट कर ही नहीं रही है। अरे भाई ऐसा तो चलता है NFA में, अरे यही छोटी छोटी बातें तो आपको सीखनी है, ठीक है। चलिए देखिए इधर नेक्स्ट डेल्टा डैश ऑफ Q1 1, तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q1 1। अब मुझे बताइए Q1 1 लेके कहीं जा रहा है क्या, अरे भाई Q1 1 लेके तो कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन
क्लोजर ऑफ। देखिए पहला प्रॉब्लम इतना अच्छे से सीखिए कि आपको आगे का प्रॉब्लम सब इजी लगना शुरू हो जाए, ठीक है। Q1 लेके कहाँ जा रहा है भाई? Q1 के पास ही जा रहा है। अच्छा, Q1 एप्सिलॉन लेके Q2 पे जा सकते हैं। अब Q21 लेके कहीं जा रहा क्या? नहीं, अगर जाता था तो वो भी यहाँ पे लिख लेते थे और दो एप्सिलॉन क्लोजर्स का यूनियन हो जाता था तीसरी स्टेप में। समझाऊंगा मैं आपको वो आगे। बताइए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 कितना हो जाएगा? Q1 Q2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ये डेल्टा डैश ऑफ Q1 2। अब मुझे बताइए ये हो जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q1 2। मुझे बताइए Q1 2 लेके कहीं जा रहा है क्या? नहीं, पर Q1 एप्सिलॉन लेके Q2 पे गया। Q2 अब 2 लेके जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। कहाँ पे? खुद पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, क्योंकि Q1 तो डायरेक्टली Q2 लेके कहीं जा नहीं रहा है, फिर मैं एप्सिलॉन लेके इधर गया, अब ये 2 लेके जा रहा है। यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, Q1 से एप्सिलॉन और 2 लेके जा सकता हूँ Q2 पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे Q2 आया। चलिए बताइए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 कितना है? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 है हमारा Q2। तो कितने ट्रांजिशन कैलकुलेट हो गए? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने बोला था 9 कैलकुलेट करने हैं। अब Q2 के 3 ट्रांजिशंस निकालिए। Q2 के 3 ट्रांजिशंस तो देखिए मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ। डेल्टा डैश ऑफ Q2 0 लेके कहीं जा रहा है क्या? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव Q2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर मूव Q2 0। Q2 0 लेके कहीं जा रहा है क्या? नहीं। Q2 एप्सिलॉन लेके कहीं और जा सकता है क्या? नहीं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? फाई। और ये अगर फाई हो गया तो इसका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई भी क्या हो जाता है? फाई ही हो जाता है, ठीक है। अगेन डेल्टा डैश ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ Q2 1, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्या? मूव Q2 1। अरे Q2 1 लेके कहीं जा रहा है क्या? नहीं। Q2 एप्सिलॉन लेके कहीं जा सकता है क्या? वो भी नहीं। तो बेटा फिर से इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर से इसका आंसर आ जाएगा फाई। अरे भाई एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई कितना होता है? वो तो हमारा फाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा डैश ऑफ Q2 2। Q2 2 लेके कहीं जा रहा है क्या? वो देखना पड़ेगा। पहले ऐसा लिखना पड़ता है मूव Q2 2। अरे भाई मूव Q2 2 का मतलब क्या? कि बाय यूजिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन चलता है हमें Q2 2 लेके कहीं जा रहा है क्या? पर Q2 तो 2 लेके डायरेक्टली Q2 पे ही जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा Q2 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 तो हमने पहले से ही निकाल के रखा है, वो आ जाएगा Q2। यानी इतना करने से हमारे क्या आ गए? 9 ट्रांजिशंस आ गए। और 9 ट्रांजिशंस आ गए का मतलब क्या हुआ? कि हमने बेटा ये डेल्टा डैश भी एक्सप्लेन कर लिया। यानी ऐसा समझिए यहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कि मैंने बोल दिया भाई मेरी NFA जो है आने वाली विदाउट एप्सिलॉन मूव वाली, वो तो है M-, ये 5 टपल्स, ये 5 टपल्स मैंने क्या कर लिए? एक्सप्लेन कर लिए। पर इसके बाद अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको 2 चीज़ें और लिखनी पड़ेंगी। एक आपको लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA M-, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा भाई? Q-summation, ठीक है। Q-summation, अरे ये Q-summation यानी 0, 1, 2, ठीक है। Q0, Q1, Q2, अरे भाई Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है? अरे मुझे एक बात बताइए, ये ट्रांजेक्शन सीधे सीधे तो आपको लिखने हैं, ये जो 9 ट्रांजेक्शन होंगे टेबल के फॉर्म में लिखना है। पहला ट्रांजेक्शन Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है? Q0 0 लेके बेटा 3 स्टेट्स पे जा रहा है, Q0 Q1 Q2 पे। भाई ठीक है, ले लिया हमने। Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है? Q1 Q2, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2। नेक्स्ट तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है? दिस। नेक्स्ट Q1 का ट्रांजेक्शन क्या है? फाइव। नेक्स्ट दूसरा ट्रांजेक्शन Q1 Q2, अरे इनको टेबल के फॉर्म में लिखना है ना। तीसरा क्या आ जाएगा? Q2। नेक्स्ट Q2 0 लेके कहाँ जा रहा है? फाइव। नेक्स्ट ये Q1 5, नेक्स्ट ये Q2। और इसकी अगर हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे हो जाएंगी? आप क्या कीजिए, 3 स्टेट्स निकालिए, एक Q0, ठीक है, और एक Q1 और एक Q2।
Q2। अब आप ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ड्रॉ कर लीजिए, हमारी क्या आ जाएंगी, NFA आ जाएंगी। कौन सी NFA? विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजेक्शन वाली। कैसे, देखिए मैं करके बताता हूँ। मैंने तीनों को फाइनल स्टेट किया है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेट्स क्या है, फाइनल है। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। Q0 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q0 जीरो लेके तीनों के पास जा रहा है, यानी कि वो जीरो लेके इधर भी जा रहा है और वो जीरो लेके इसके पास भी जा रहा है और ये जीरो लेके हमारा ये स्टेट के पास भी जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट Q0 वन लेके कहाँ जा रहा है, Q1 Q2 के पास, तो ये देखिए ये Q1 और Q2 के पास। ठीक है, नेक्स्ट Q0 टू लेके कहाँ जा रहा है, Q2 के पास। तो देखिए आई बात समझ में, ये हमने पहली रो ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट Q1 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं। Q1 वन लेके कहाँ जा रहा है, देखिए ये वन लेके खुद के पास भी जा रहा है, खुद ये नीचे से ड्रॉ कर रहा है, नीचे से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट ये वन लेके खुद के पास भी जा रहा है और कहाँ जा रहा है, Q2 के पास, तो ये Q2 के पास जा रहा है। नेक्स्ट Q1 टू लेके कहाँ जा रहा है, Q2 के पास, तो Q1 टू लेके कहाँ जा रहा है, इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट Q2 क्या कर रहा है, Q2 जीरो लेके कहीं नहीं जा रहा, वन लेके कहीं नहीं जा रहा है और टू लेके कहाँ जा रहा है, खुद के पास। तो बेटा अब ये जो डायग्राम हुई, ये डायग्राम को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई मेरा ऐसा शेप दिख रहा है, आपने ये तीनों स्टेट सपोज वर्टिकल ड्रॉ की, आपने एक स्टेट यहाँ पे ली, दूसरी यहाँ पे ली, तीसरी यहाँ पे ले ली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन अवर FA। ठीक है, स्ट्रक्चर लोगों का अलग अलग दिख सकता है, मीनिंग क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको मिनिमाइजेशन ऑफ FA यानी कि इसके बाद वाला टॉपिक MFA सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली है, आपको पता ही है, एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूस, क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में भी ली थी जब मैंने आपको इप्सिलॉन एनएफए सिखाया था। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली है वो सबकी सब स्ट्रिंग्स यहाँ से भी एक्सेप्ट होने वाली है। ठीक है, देख करके देखिए आप। सपोज मैंने बोला कि भाई ये लेना है 0 0 0 1 1 2 2 2 2। ठीक है, चलिए करके देखिए 0 0 0 1 1 2 2 2 2। जितने भी स्ट्रिंग्स हमारा इप्सिलॉन NFA एक्सेप्ट करेगा वो सबकी सब स्ट्रिंग्स हमारा सादा NFA यानी कि NFA विदाउट इप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करेगा। और यही तो मीनिंग है, कन्वर्जन में कभी लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये इतना हमने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये टेबल और ये डायग्राम भी आपको निकालना पड़ेगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में। ओके।